वंस अगेन मैं आपका फिर भी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता एक और मजेदार वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। छोटी छोटी 10 टिप्स बताऊंगा मैं आपको स्किन के लिए, जो आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा लॉन्ग टर्म तक, जो आपको आफ्टर 20s मतलब आप जब 20 साल के हो जाओ तो एटलीस्ट उसके बाद आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी स्किन की केयर करने के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म तक जवान रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे, तो आफ्टर 20s मतलब ये तो आप 18-19 साल के बाद भी कर सकते हो, बट येस आफ्टर 20s यू शुड डू ऑल दीज थिंग्स जो मैं आपको बताऊंगा, इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहला टिप है खूब सारा पानी पियो। बहुत कॉमन सी चीज़ बताई मैंने, बहुत बेसिक चीज़ बताई, पानी। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी बॉडी में जितने भी जो भी हम खाते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम खाते हैं वो बॉडी में आके एसिड में कन्वर्ट होता है। एसिड में कन्वर्ट होके वो उसको न्यूट्रलाइज भी करना पड़ता है, उन टॉक्सिन्स को रिमूव भी करना पड़ता है। तो बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, जो भी एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज हमारे पानी करता है। हम जो पानी पीते हैं वो उस न्यूट्रलाइज उस टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर आप कम पानी पियेंगे, अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी, आपकी बॉडी में पानी की कमी रहेगी। तो बॉडी को जो एक लिमिटेड पानी चाहिए, 70% बॉडी में पानी होता है, तो अगर उसको बॉडी को पानी चाहिए कि भाई उसको बचाना है, तो वो कम सुसु करेगा, आपकी बॉडी में सुसु कम निकलेगी, आपके टॉक्सिन यूरिन कम निकलेगी। तो अभी क्या होगा, वो टॉक्सिन जो आप खाना खा रहे हो, डेली खा रहे हो, जो सांस ले रहे हैं, पॉल्यूशन में जा रहे हैं, जो टॉक्सिन एक्यूमुलेट होंगे बॉडी के अंदर, वो कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे। या तो वो आपकी पॉटी से निकलेंगे या आपकी सुसु से निकलेंगे। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको ये यूरिन कम लगेगी, यूरिन कम लगेगी तो टॉक्सिन्स कहाँ जाएंगे, वो आपके पसीने से निकलना चालू होंगे, और जब वो आपके पसीने से निकलना चालू होंगे तो आपको एक्ने आने लगेंगे, आपकी स्किन में वो टॉक्सिन्स दिखने लगेंगे, आपकी स्किन वर्नेबल हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कतें आपको स्किन में आने लगेंगी जो जनरली लोगों को आती है। पेट खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो क्या होगा, आपके वो टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, वो आपके चेहरे से निकलेंगे, आपके बॉडी से निकलेंगे, स्किन से निकलेंगे, आपके पसीने में गंदी बदबू आएगी। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सारा पानी पीना है। और मैं तो कहूँगा पानी नहीं, पानी से अच्छा है कि आप जूस पियो, बिकॉज अल्कलाइन, इट्स मोर अल्कलाइन, फ्रेश जूस। पानी का पीएच नॉर्मल होता है, न्यूट्रल होता है पीएच। हम लोग जो भी खाते हैं वो ब्लड में जाके एसिड बनता है, तो पानी जो न्यूट्रलाइज करेगा, एक 7 पीएच का पानी को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर आप अल्कलाइन वाटर पीते हैं या आप जूस पीते हैं, वो 8 पीएच या 9.5 पीएच का पानी पीते हैं या जूसेस होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं, तो वो जल्दी न्यूट्रलाइज करेगा। तो वो अगर आप चाहते हो कि यार मैं ज़्यादा पानी नहीं पी सकता, तो जूस पियो, 2 ग्लास जूस आप डेली फ्रेश जूस पियो, और मैं कहूँगा विद पल्प पियो। पल्प के साथ पियेंगे तो उसमें फाइबर भी मिलेंगे आपके बॉडी में, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो भी नहीं होगा। तो फ्रेश फ्रूट्स और सीजनल फ्रूट जूस पीना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एक हमारी एक डेली आपको अपने रूटीन में करने से, बहुत सिंपल चीज़ है, पानी तो पीना यार, मतलब अपनी बॉडी के लिए तभी नहीं करोगे, करना पड़ेगा अगर आपको सुंदर दिखना है लॉन्ग टर्म तक। तो दूसरी बात, आपकी बॉडी में जब डिहाइड्रेशन होता है तो आपकी स्किन में झुर्रियाँ आने लगती हैं, आप एकदम मुरझाया सा चेहरा हो जाता है, स्किन अलग ही दिखने लगती है डिहाइड्रेटेड सी। जब पानी ज़्यादा पियेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहेगी, आपका जो इलास्टिन कोलेजन है आपकी स्किन में प्लम्पीनेस है ना, बहुत ही सुंदर दिखेगी स्किन की, हेल्दी स्किन एक बहुत ही अलग चमकदार स्किन दिखेगी अगर उसमें पानी की कमी नहीं होगी। तो सॉल्ट का इंटेक कम कर दें, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगा, आप ऐसे फूल जाओगे, किडनी पर लोड पड़ेगा, वो भी अपन को नहीं करना है। दूसरी टिप, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलर सनस्क्रीन लगानी है, आप धूप में जाएं या ना जाएं, घर के अंदर बैठे तो भी सनस्क्रीन लगाएं। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक रूटीन बना लीजिए ओरल सनस्क्रीन का। ओरल सनस्क्रीन लाइक यूवी चेक आती है मार्केट में, उसकी एक गोली खा लीजिए दिन में, वो आपकी फुल बॉडी को धूप के टाइम में 6-7 आवर बचा के रखेगी। जो फिजिकल सनस्क्रीन होती है वो आपको 1-1.5 घंटे तक आपको बचाती है, आपको वहाँ पर बार बार रीअप्लाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, मेरा जो और वीडियो डले हैं सनस्क्रीन के ऊपर, उसमें मैंने बताया कि क्यों रीअप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं इसमें वापस एक चीज़ बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे और आप चले जाओगे, तो मैं नहीं चाहता आप चले जाओ। तो मैं टिप बता रहा हूँ आपको क्या फॉलो करना है। तो आपको सनस्क्रीन फॉलो करना है अबाउ 30 SPF 30 के ऊपर सनस्क्रीन लगाइए, और ओरल सनस्क्रीन खाइए, खाने वाली सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, वो फुल बॉडी को धूप के डैमेज से 6-7 आवर तक बचा के रखेगी। तो टेक यूवी चेक, यूवी स्पार, बहुत सारी ओरल सनस्क्रीन आती है वो ले लीजिए। स्क्रबिंग, बहुत सारे लोग होते हैं जो खूब सारी स्क्रबिंग करते हैं, ओवर एक्सफोलिएट मत करो स्किन को। 15 दिन में या महीने में एक बार स्क्रबिंग बहुत अच्छी बात है, आपकी डेड लेयर जो एक्युमुलेट होती है वो निकलना भी जरूरी है। जब आप प्रॉपर स्क्रबिंग करते हैं तो आपकी डेड लेयर निकल जाती है, न्यू स्किन आएगी, हेल्दी स्किन, और सर्कुलेशन बढ़ेगा तो खून का फ्लो बढ़ेगा और स्किन हेल्दी रहेगी, टॉक्सिन सब निकल जाएंगे, पोर्स ओपन हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें करना, क्योंकि हमें पोर्स को क्लॉक नहीं करना है, पोर्स क्लॉक होंगे तो आपके एक्ने कॉजिंग फैक्टर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक्सफोलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सफोलिएट करना है स्किन को प्रॉपरली,
हर 15 दिन में, या ज़्यादा अगर कोई आप फिजिकल एक्सफोलिएटर यूज़ करते हैं या लाइक केमिकल पील कराते हैं, तो वंस अ मंथ आपको सफिशेंट है। आप घर में भी अगर केमिकल पील लाइक ग्लाइकोलिक एसिड के कोई बहुत सारे पील्स आते हैं अगर आप घर में यूज़ करते हैं तो आप वंस अ मंथ करें। ये नहीं कि डेली बैठ के स्क्रबर करें कि मैं आज खूब लगाऊंगा स्क्रबर रबर और मैं चांद बन जाऊंगा। भैया चांद में दाग भी होते हैं, घंटे पड़ जाएंगे, बता रहा हूँ मैं, इतना भी ज़्यादा उनको नहीं करना है। मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, चूज योर मॉइस्चराइजर प्रॉपरली, उसमें सेरामाइड्स हो। सेरामाइड्स आपकी स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। स्किन में मॉइस्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है और एल्स वो ड्राई हो जाएगी जल्दी, सूख जाएगी। तो ऐसा मॉइस्चराइजर चूज करें जो कि जिसमें सेरामाइड्स हो। आप मार्केट में बहुत सारे आते हैं, मैं अभी किसी का भी नाम नहीं लूंगा, आपके पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर लगे, बहुत सारे माइक्रो मॉइस्चराइजर हैं, आप अच्छा से देखो और लगाइए। आपका नाइट केयर रूटीन और डे केयर रूटीन दोनों प्रॉपरली होने चाहिए। क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीनिंग करिए, प्रॉपर चेहरे की क्लीनिंग करिए आपके, ताकि डेड जो भी गंदगी है डस्ट वो निकले। टोनर आपके स्किन के पीएच को मेंटेन करेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी स्किन का पीएच होता है 5.3 टू 5.5, जो एसिडिक होता है, बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से हमारी स्किन को बचाता है, तो आपको वो मेंटेन करना है। तो टोनर वो मेंटेन करेगा और मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, ताकि वो रिंकल्स ना पड़े, झुर्रियां ना पड़े और स्किन हेल्दी रहे। हेल्दी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी स्किन चाहिए तो आपको CTM, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बाद आप जो भी मेकअप लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है, जो भी लगाना है लगाएं, पर जब रात में बाहर धूप से घर में आते हैं, एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी आप शाम को घर में आते हैं तो डबल क्लीनिंग करनी है, करनी ही है। हमारी स्किन को सांस लेना पड़ता है, आपने जो भी मेकअप गंदगी जो भी पोती हुई है, एक दो किलो की मेकअप पोता हुआ है, जनरली लोग पोते हैं, कोई बात नहीं, खूब सारा पोतो, मगर उसको साफ भी कर ले भाई, थोड़ा वेट भी कम लगेगा, चेहरे को हल्का लगेगा। तो डबल क्लीनिंग करिए, मतलब एक बार रिमूव किया अच्छा क्लीनर से, और फिर आपने कॉटन से रिमूव किया, इसके बाद वापस से रिमूव करिए, दो बार क्लीन करिए, एटलीस्ट गंदगी सब निकल जाए। इसके बाद प्रॉपर नाइट सीरम इंपॉर्टेंट है। कोई भी ग्रोथ फैक्टर वाले पेप्टाइड्स वाले नाइट सीरम लगाइए आफ्टर 20s, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो जो भी हमारे चेहरे में एक्यूमुलेट होता है ना, जो भी हमें डैमेज दिखता है, जो भी बुढ़ापा आता है, झुर्रियाँ आती, जो भी स्किन डैमेज होता है, सन डैमेज होता है, यूवी पॉल्यूशन, कोई भी डैमेज होता है, दिस इज एक्यूमुलेटिव डैमेज। आज का जो हमारे चेहरे पर डैमेज दिख रहा है, ये आज का डैमेज नहीं है, ये 5 साल पहले का डैमेज है, ये एक्यूमुलेटिव डैमेज होता है। तो अगर हम आज केयर करेंगे तो हमारे 5 साल बाद हमारी स्किन हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो आपके चेहरे पे जो भी डैमेज दिख रहा है ना, अभी आप देखो मिरर जाके देखो, देखो जो दिख रहा है ना चेहरे पे गंदगी दिख रही है, ये 5 साल पहले का आपका जोड़ा हुआ खजाना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से ग्रोथ फैक्टर वाला लगाना है, जो आपकी ग्रोथ फैक्टर को स्टिमुलेट करे। ग्रोथ फैक्टर वाले जो आप नाइट सीरम लगाएंगे वो क्या करेगा, बेसिकली आपके कोलेजन और इलास्टिन को प्रमोट करेगा, बनाएगा और एज अ स्टिमुलेट करेगा कोलेजन इलास्टिन, तो वो आपके स्किन को हेल्दी टाइट रखेगा, बिकॉज जैसे जैसे एजिंग होगी आपके हार्मोन लेवल चेंजेस होंगे, आपकी स्किन ढलने लगेगी। तो आपको प्रॉपरली, अब मैं आफ्टर 20 बता रहा हूँ ना, आफ्टर 30 का भी मैं बनाऊंगा कोई अच्छा सा, आफ्टर 30 आपको क्या करना चाहिए, आफ्टर 20s है, जितने भी स्कूल कॉलेज के बच्चे ना, अगर आपको एक्ने वैकने भी हो रहे हैं तो आप लाइक ब्यूटी वाटर अप्लाई करिए, वो आपके एक्ने को नहीं होने देंगे। एक्ने की मेडिसिन लीजिए, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक करिए, फीमेल है मेल, PCOD चेक करिए, सब चेक करिए। और कोई कंफ्यूजन है तो मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हो lescomic.com पे, मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली आपको क्या फॉलो करना चाहिए। डाइटरी सप्लीमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आफ्टर 20 आपको विटामिन सी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेजन ड्रिंक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई लीजिए, ये आपकी स्किन को हेल्दी रखेगी। देखो हम आज जो खाएंगे वो लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन को हेल्दी रखेगी। आप विटामिन सी लेंगे वो आपको कोलेजन को प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगी। कोलेजन ओरल कोलेजन जो ड्रिंक आती है, कोलेजन कैप्सूल आते हैं, पाउडर आते हैं, वो पीजिए, वो आपकी स्किन को हेल्दी रखेंगे, प्लम्पी रखेंगे, एकदम जवान रखेंगे। ये वीडियो उनके लिए जिनको जवान रहना है, जो चाहते हैं कि मैं 30-40 में भी थोड़ा 20-25 साल का दिखूँ। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैंने अपने 20s में स्टार्ट कर दिया था, मैं आज की डेट में 37 एज है मेरी, और मेरी स्किन को मतलब टच वुड मेरी स्किन बहुत हेल्दी है, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को मेंटेन करना पड़ता है, आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको जवान रहना है। तो आप चाहते हो कि 50 साल में भी आप 30 साल के देखो, तो आपको अभी से खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, DIY जो होते हैं, डू इट योरसेल्फ, जो चटनी मसाले आपके आस पड़ोस वाली आंटियाँ बताती हैं कि बेटा तू हल्दी घोर ले, नीम की पत्ती घोर ले, दूध डाल ले, शहद डाल ले, प्लीज़ ये ग्रेवी अपने चेहरे पे ना लगाएं। जब तक जो चीज़ आपको ना पता हो ना लगाएं, कोई भी चीज़ कैसी चीज़ें फॉलो ना करें, बिग नो अनटिल और अनलेस यू नो आप क्या लगा रहे हो, किस लिए लगा रहे हो। ये चीज़ आपकी स्किन को और ज़्यादा ख़राब कर देगी, और ज़्यादा डैमेज कर देगी। तो प्लीज़ ये प्यूरी और ग्रेवी और ये मसाले अपने चेहरे पे ना लगाएं, उनको खाएं, आपके पेट में जाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके चेहरे पे ना लगाएं।
मेरा वीडियो पसंद आया तो मुझे शेयर इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम पे आईडी है डॉक्टर अपनी गुप्ता, मुझे चाहिए वहाँ पे फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट है तो मुझे आके वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके आंसर करूँगा। और ये वीडियो को शेयर करना ज़रूर भूलिएगा मत। और आई होप मैं आप अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ, आपको मज़ा आ ही रहा होगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।